फेफड़े दूषी बाबा से गुना। मेरे अनवर साहब निस्बत बयान कर रहे थे, मैं मुर्तजा जो यहाँ पर बैठा हूँ, मैं अपने दादा हजरत खतीब उल इस्लाम साहबजादा पीर फैजुल हसन का मुरीद हूँ। मेरे जो वालिदे गिरामी थे वो भी किबला आलम पीर फैजुल हसन के मुरीद थे। हम बाप बेटा दोनों फैजुल हसन के मुरीद हैं और फैजुल हसन अपने बाप मोहम्मद हुसैन के मुरीद थे और मोहम्मद हुसैन अपने बाप मोहम्मद अमीन के मुरीद थे और मोहम्मद अमीन अपने बाप चंदन शाह के मुरीद थे और चंदन शाह साहब हादी नामदार नथियालवी आला हजरत नथियाल शरीफ उनके मुरीद थे और खलीफा थे और पीर हादी नामदार नथियालवी आप ख्वाजा नूर मोहम्मद चुराही आप उनके मुरीद थे। ये है हमारी निस्बत, ये आगे फिर चलती है जिस तरह से इन्होंने बयान फरमाया। दुरूद पढ़िए फिर एक मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वहम्दुश्शाकरीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुर्सलीन खातिमुन नबियीन अकरमिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ायदिल क़ुर्रिल मुहज्जलीन नबिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन सय्यिदिल क़ौनैन वसीलतना फिद्दारैन साहिब काबा क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मग़रिबैन अलमुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अलमुनज़्ज़ह मिन कुल्लि शैइन जद्दिल हसन वल हुसैन نبي الانبياء عظيم الرجاء امين الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا شفينا يوم الجزاء سر المخزون در المكنون عالم ما كان وما يكون نور الافئده والعيون سر القلب المحزون سيدنا ونبينا وملجانا ومولانا وآقانا ومرشدنا حبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد صلى الله عليه واله وسلم نبي المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وازواج الطاهرات امهات المؤمنين واصحاب المكرمين المعظمين وعلى سائر اولياء امه الكاملين العارفين وعلماء ملت الراشدين المرشدين وعلينا محمد اجمعين برحمتك رب العالمين يا ارحم الراحمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मा काना मुहम्मद अब हादिम रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातम النبيين व कान अल्लाह बिकुल्ल शैइन अलीमा इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अला النبي या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलावात पढ़िए। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबी बल सवान जी वकार हदियाए तबरीक पेश कर रहा हूं बनहाल के साहिबाने तरीकत को और वाबस्तगाने दरबारे गौहरबारे आलो महार को कि उन्होंने अपने मशायख का उर्स आज फिर एक मरतबा इस अंदाज से तरतीब दिया और मुजयन किया। वो अल्लाह काजी अल हाजात आप तमाम अहबाब की हाजत रवाई फरमाए, नबी आखर जमा अपनी रहमतों का साया आप पर हम पर सब पर सलामत रखें और औलिया कराम की फ्यूज बरकात हमारे कल्ब वाल को मुताहर मुनव्वर और मुअत्तर करते चले जाएं। शाबाने जी वकार कुछ गुज़श्ता से व्यवस्था करना चाहूंगा इसी जिम्मे में इस आया करीमा को हदिया करने का एजाज हासिल किया है। शाबाने जी वकार तवज्जो है आपकी, ये एक कायनाती हकीकत है और एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब भी कोई बच्चा इस कायनाती बेसबात में कदम रखता है
तो दुनिया में आते हुए बेशुमार रिश्ते लेकर इस दुनिया में आता है। वो आने वाला बच्चा वो किसी का बेटा बन के आया, वो किसी का भाई बन के आया, वो किसी का भतीजा बन के आया, वो किसी का भांजा बन के आया, किसी का पोता, किसी का नवासा बन के आया। और जब जिंदगी के मराहिल आगे को बढ़े तो वही बच्चा जब जवानी की मंजिलों में कदम रखता है तो बजाते खुद किसी का बाप बन जाता है, वो किसी का चचा बन जाता है, किसी का ताया बन गया, किसी का मामू बन गया। और अगर जिंदगी ने और मोहलत दी तो वही बच्चा बुढ़ापे की मंजिलों में पहुंचता हुआ बजाते खुद किसी का दादा बन जाता है, किसी का नाना बन जाता है, किसी का ससुर बन जाता है। तो बेशुमार रिश्ते हैं कि जिनमें घिर कर एक बच्चा इस दुनिया में कदम रखता है, और ये तमाम रिश्ते ये उसके हसब नसब की पहचान का बाइस बनते हैं, ये उसके खून की, उसकी बरादरी की पहचान का बाइस बनते हैं। इसी तरह उस बच्चे के कई जुग्राफियाई रिश्ते भी हैं, यानी ये देखना जरूरी है कि वो बच्चा किस महल्ले का रहने वाला है, वो किस शहर की शहरियत रखता है, वो किस गली में परवान चढ़ा है, उस बच्चे की सुबाइयत क्या है, वो पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, बलोचिस्तान से है, कश्मीर से है, कबायली है, वो क्या है, उस बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, तवज्जो है, वो बच्चा किस स्कूल में जाता रहा, किस मदरसे से फारग तहसील है, किस कॉलेज में पढ़ता रहा, वो किस यूनिवर्सिटी में जाता रहा, उस बच्चे की लिसानियात क्या है, वो पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, पठान है, कबायली है, कश्मीरी है, क्या है उसकी रूहानी और अकायद की व्यवस्थगी क्या है, वो सुन्नी है, वो बरेलवी है, वो देवबंदी है, वो अहले हदीस है, वो ईसाई है, वो यहूदी है, वो मयूसी है, वो मरजई है, वो क्या है। तो बेशुमार रिश्ते हैं कि जिनमें घिर कर एक इंसान इस दुनिया में कदम रखता है, और ये तमाम रिश्ते ये उसके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड का काम करते हैं, उसके लिए एक शनाख्ती कार्ड का काम करते हैं, ये उसकी पर्सनैलिटी की पहचान का बाइस बनते हैं। साहबाने जी वकार तवज्जो है आपकी। इसी तरह से जब वो खत्मी मर्तबत, वो नूरे कायनात, वो जाने कायनात, वो अव्वल कायनात, वो आखिर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस कायनात बेसबात में कदम रखते हैं, तो एक आम इंसान की तरह, एक आम बशर की तरह ये तमाम रिश्ते लेकर इस दुनिया में दाखिल होते हैं। यानी वो आने वाला नबी वो आमिना का लाल भी है, वो अब्दुल्ला का यतीम भी है, वो खदीजा और आयशा का शौरे नामदार भी है, वो हसनैन का नाना भी है, वो सदीक का पेशवा भी है, वो अली का बिरादर भी है, वो अबू तालिब का भतीजा भी है। तो बेशुमार रिश्ते हैं कि जिनको लेकर मेरा नबी इस दुनिया में दाखिल हो रहा है। मेरा कमली वाला मुस्तफा चूंकि अरब का रहने वाला था इसलिए अरबी कहलाया, आप मक्का में पैदा हुए इसलिए मक्की भी कहलाए, फिर हिजरत की और मदीना तशरीफ ले गए इसलिए मदनी भी कहलाए, मेरा नबी बनू कुरैश से तल्लुक रखता था इसलिए कुरैशी कहलाए, वो बनू हाशिम का चश्मो चराग था इसलिए हाशमी भी कहलाया, वो अब्दुल मुतलिब का पोता था इसलिए अब्दुल मुतलबी कहलाया, वो इब्तहाई कहलाया, वो तहामी कहलाया। तो बेशुमार रिश्ते हैं कि जिनको लेकर मेरा मुस्तफा एक आम इंसान की तरह इस दुनिया में कदम रख रहा है। लेकिन दोस्तों मुकामे है रखती है, मुकामे ताज्जुब ये है कि वो तमाम रिश्ते हैं कि जो तुम्हारी मेरी पहचान का बाइस बनते हैं, जो तुम्हारे मेरे तारुफ का बाइस बनते हैं, जो माशरे में तुम्हारे और मेरे पहचान का बाइस बनते हैं। लेकिन खुदाए परवरदिगार ने जब कुरान मजीद में अपने हबीब का तारुफ लोगों से करवाया तो इन तमाम रिश्तों में से किसी एक रिश्ते से भी तारुफ नहीं कराया, बल्कि तमाम रिश्तों की नफी कर दी। जुग्राफियाई, लिसानी, मुआशरती, मुआशी, इक्तसादी, तमाम रिश्तों को रद्द कर दिया, तमाम नस्बतों को तोड़ दिया, तमाम रिश्तों को रद्द करके फरमाया कि मा काना मोहम्मद और अबा आदम में रिजालकुम, ये मोहम्मद तुम्हारा कुछ नहीं सिर्फ अल्लाह का रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ये मोहम्मद तुम्हारा कुछ नहीं, नहीं, वमा मोहम्मद अल्लाह रसूल, ये मोहम्मद तुम्हारा कुछ नहीं, सिर्फ
अल्लाह का रसूल है, ये सिर्फ मेरा है। खुदा परवरदिगार ने हर दुनियावी इस्पत को तोड़ दिया। खुदा की कसम पूरा कुरान खंगाल लो, मेरे मुस्तफा के लिए अल्लाह ने तमाम दुनियावी इश्कों की नफी कर दी। कुछ नहीं लगता तुम्हारा ऐ बनान वालों, तुम्हारा कुछ नहीं, ये किसी का कुछ नहीं, ये मेरा रसूल है, ये मेरा नबी है, ये मेरा खातिम है। इसका तल्लक तुम्हारे साथ कुछ नहीं, मेरे साथ है। तो मैंने अल्लाह के जुरहात जोड़े, मैंने कहा जब तेरे कहने के मुताबिक कि वमा मोहम्मद अल्लाह रसूल, ये मोहम्मद हमारा कुछ नहीं सिर्फ तेरा रसूल है, तूने दुनिया से निस्बत को तोड़कर मुस्तफा की निस्बत को अपने साथ जोड़ा है, तो इसका वादे सा मतलब यह है कि जिस चीज की निस्बत मौला तेरे साथ है उसी चीज की निस्बत तेरे हबीब के साथ है। वो देखिए जब ये फरमाया कि मुस्तफा की निस्बत तुम्हारे साथ नहीं है मेरे साथ है, तो मतलब क्या हुआ? बात वाजे है ना, मतलब ये कि फिर जिस चीज की निस्बत अल्लाह के साथ होगी उसी चीज की निस्बत मुस्तफा के साथ होगी। जब उसका है तो फिर निस्बत भी उसके साथ है, और जिस चीज की निस्बत अल्लाह के साथ उस चीज की निस्बत मुस्तफा के साथ। तो फिर मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मौला तू तो लासानी है, तो जवाब मिला मुर्तजा मेरी निस्बत की बिना पर मेरा हबीब भी तो लासानी है। मैंने कहा मौला तू तो लासानी है, तो जवाब मिला मुर्तजा मेरी निस्बत की बिना पर मेरा हबीब भी तो लासानी है। मैंने कहा मौला तू तो लामकानी है, तो जवाब मिला मेरा हबीब भी तो लामकानी है। मैंने कहा मौला तू फर्श पर नहीं तू अर्श पर इस्तेमाल करता है, तो जवाब मिला मुर्तजा मेरी निस्बत की बिना पर मेरा हबीब भी तो अर्शी है। तो मैंने अब हाथ जोड़ लिए, ये मेरे जुड़े हाथों को देखो, मैंने कहा मौला जब तेरे कहने के मुताबिक तेरा हबीब भी अर्शी तू भी अर्शी, तो ये आज के मुल्ला मेरे मुस्तफा के नूरी या खाकी होने पे बहस क्यों करते हैं? तो जवाब मिला मुर्तजा इनसे कह दे कि अर्श पर खाक होगी तो नबी भी खाकी होगा, और अर्श पर नूर होगा तो मेरा मुस्तफा भी नूरी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे लोग बातों को भूल जाते हैं, फिर कुछ बातें दोहरानी पड़ती हैं ताकि दिल में भी पहुंचे, दिमाग में भी पहुंचे, और तुम्हारे जिस्म के रुए रुए में सर आ जाए। तवज्जो है आपकी ये बातें। देखो नमाज का हुक्म अगर कुरान में एक मर्तबा भी आए ना, एक मर्तबा भी आए, तो तुम पर वाजिब और फर्ज है कि तुमने नमाज पढ़नी है। नहीं, 700 से ज्यादा मुकामात पर आया, मुख्तलिफ अंदाज से 700 से ज्यादा मुकामात पर नमाज का हुक्म आया। भाई एक दफा कह देता काफी था, बार बार क्यों कहा? नहीं, कुछ चीजें हैं जो बार बार समझानी पड़ती हैं। तवज्जो है आपकी, कुछ चीजें होती हैं कि पे दर पे समझानी पड़ती है। अब तवज्जो कीजिए, तो अब कानून वाजे कि अगर अर्श पर खाक होगी तो नबी भी खाकी होगा, बात क्लियर है, वाजे है, और अगर अर्श पर नूर होगा तो मेरा नबी भी नूरी होगा। तो अब ये बहस मेरे नबी पर नहीं है कि हजूर अपनी जात में नूरी है या खाकी है, वो फर्शी है या अर्शी है, नहीं, खुदा की कसम मेरे नबी पर बहस नहीं है। हजूर तो अपनी जात में नूरी भी है खाकी भी है, हजूर फर्शी भी है, हजूर अर्शी भी है। मेरा नबी है ही वो कि जो जामे सफातुल खैर है, जिसमें तमाम खैर की सफात मौजूद है। फर्शी होना भी खैर है, अर्शी होना भी खैर है, नूरी होना भी खैर है, खाकी होना भी खैर है। तो हजूर के अंदर जो सारी खसूसियात मौजूद हैं, ये बहस मुस्तफा पर नहीं है। ना ना बनार वालों, बहस करनी है तो उस आंख पर करो जो मेरे नबी को देखती है। वजह है आपकी, हजूर नूरी भी है खाकी भी है, ये बहस हजूर पर नहीं है, ये उस आंख पर है जो मेरे नबी को देखती है। जैसी आंख होगी वैसा नबी नजर आएगा। तवज्जो है आपकी, जैसी आंख होगी, आप सुन रहे हैं, तवज्जो है आपकी, जैसी आंख होगी वैसा मेरा नबी नजर आएगा। बात तो निस्बत की है ना, बोलिए, बात तो निस्बत की है, जैसी आंख की निस्बत वैसा मेरा मुस्तफा नजर आएगा। तवज्जो है आपकी। अब मैं इस बात को एक और अंदाज से समझा देता हूं, ये गुफ्तगु ताके मुंतकिल हो जाए। मैंने क्या कहा कि देखने वाली आंख की निस्बत कैसी है, जैसी निस्बत होगी वैसे हजूर नजर आएंगे, तो बात निस्बत की है ना। अच्छा, शबे मेराज को, तवज्जो है आपकी, शबे मेराज को मेरा नबी और जिब्राइल दोनों इकट्ठा सफर शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने मुल्लाओं से पूछा, आप तो नहीं है ना, आप तो सूफी हैं, तवज्जो है,
हमने मुल्लाओं से पूछा, आप समझते हैं अब इस मुकाम पर आकर जब सन 2000 से हमने आपकी खिदमत में इस मिंबर पर अर्ज करना शुरू किया तो मुल्ला की तारीफ को बहुत अच्छी तरह बयान किया है, आप समझ गए। अब वो कहने लगे कि जनाब उनमें एक नूर का सरदार है और एक मिट्टी का सरदार है। कहने वालों ने कहा कि शबे मेराज जो दो हस्तियों ने सफर शुरू किया उनमें एक नूर का सरदार और एक मिट्टी का सरदार। अच्छा, मैंने कहा भाई नूर का सरदार कौन है? तो कहने लगे जिब्राइल। जिब्राइल नूर का सरदार है। और मैंने कहा जरा मिट्टी का सरदार कौन है? कहा हमारा नबी। तो वजह है आपकी, अब इस बात पर बहस नहीं करते कि उन्होंने जिब्राइल से हटकर सरदारी जो है वो उसके सपुर्द कर दी और मेरे नबी को सिर्फ खाक तक महदूद कर दिया। तो वजह है आपकी, कहने लगे मेरे कहा चलो ये भी गनीमत है, तुमने खाक का सरदार तो माना। तो वजह है अगर उसको सैयद माना तो कम से कम खाकी बंदों का सरदार तो माना ना। तो वजह है आपकी, तो अब कहने के मुताबिक अब मुझे बहस नहीं है कि उन दोनों में नूर का सरदार कौन है खाक का सरदार कौन है। नहीं, तुमने कहा मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूं, दिल नहीं करता मानने को कि मेरे नबी की सरदारी सिर्फ खाक तक महदूद कर दो, खुदा की कसम दिल नहीं करता, लेकिन समझाने के लिए हम बात मान लेते हैं कि चलो ठीक है जिब्राइल नूर का सरदार। सुनो यार सुनो, और मेरा नबी मिट्टी का सरदार। अब मिट्टी का सरदार नूर का सरदार इकट्ठे मकान से सफर शुरू करते हैं। तवज्जो है, जब सफर शुरू किया इकट्ठा शुरू किया, मेराज की हर घड़ी में पहुंचे इकट्ठे पहुंचे, मस्जिद अक्सा तक गए इकट्ठे गए, बैतुल लहम तक गए इकट्ठे गए, तूरे सीना तक गए इकट्ठे गए, हर अर्श के दरवाजे तक पहुंचे इकट्ठे पहुंचे, हर महल को देखा इकट्ठा देखा, हर नबी से मुलाकात की इकट्ठी की, मुकामे जन्नत तक गए इकट्ठे गए, मुकामे जहन्नम को देखा इकट्ठा देखा, अब आया है सिदरा का मुकाम। क्या बात, तो वह जो है आपकी, अब आया है सिदरा का मुकाम। उस सिदरा के मुकाम पर मिट्टी का सरदार आगे बढ़ गया और नूर का सरदार पीछे रह गया। तो वह जो है आपकी, उस मुकामे सिदरा पर नूर का सरदार पीछे रह गया, मिट्टी का सरदार आगे बढ़ गया। उस मिट्टी के सरदार ने आगे बढ़कर जब पीछे मुड़ के देखा कि नूर का सरदार आगे नहीं आ रहा तो सवाल किया कि भाई आप नहीं आएंगे? तो जो है आपकी, आप नहीं आएंगे? मेरे नबी का जुमला तकल्लफन नहीं होता, नहीं महावर्तन नहीं होता, नहीं हिकमत है, मुस्तफा अर्श नशी होकर बयान करना चाह रहा है, इसका मकाम देखो और मेरा मकाम देखो। तो वजह है आपकी, इसका मकाम देखो, सुनिएगा तमीदी कलमात है, इसका मकाम देखो और मेरा मकाम देखो। यानी मिट्टी का सरदार आगे बढ़ गया, नूर का सरदार बोलिए पीछे पीछे खड़ा रह गया। अच्छा, अब मेरा सवाल है आपसे कि भाई मिट्टी का सरदार तो आगे निकल गया और नूर का सरदार पीछे रह गया, तो अब बयान करो कि मिट्टी का मकाम ज्यादा है या नूर का मकाम ज्यादा है, बोलिए। मेरा सवाल है, मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, मैं सवाल करना चाह रहा हूं तारीख के धारों ने कहा, हमने नहीं कहा, ठीक मुत्तफिका तौर पर तमाम तारीखों ने लिखा कि जिब्राइल पीछे रह गए हजूर आगे बढ़ गए। जब बढ़ गए ना तो तुमने कहा मेरा नबी मिट्टी का और जिब्राइल नूर का, तो अब जब मिट्टी आगे निकल गई है तो अब खुदा के वास्ते बता दो कि मिट्टी का मकाम ज्यादा हुआ कि नूर का मकाम ज्यादा हुआ, बोलो किसका मकाम? नहीं, मिट्टी का मकाम ज्यादा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मिट्टी आगे बढ़ गई पर मिट्टी का मकाम ज्यादा नहीं। अच्छा, अगर नूर आगे बढ़ जाता तो क्या नूर का मकाम ज्यादा होता? नहीं, ना नूर का मकाम ज्यादा ना मिट्टी का मकाम ज्यादा, मुकाम अफसल है मुस्तफा की निस्बत का। मुकाम ज्यादा है मुस्तफा की निस्बत का। अगर मिट्टी निस्बत पा जाए तो मिट्टी अफजल, अगर नूर निस्बत पा जाए तो नूर अफजल। यही वजह है कि वो मट्टी जो मुस्तफा के नालेने पाक से चिमटी थी,
وہ بھی مقام سدرہ پر جبریل کے نور کو مات دیتی ہوئی یہ اعلان کرتی چلی جاتی ہے کہ لوگوں دیکھو جس مقام پر اس جبریل کے نور کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی نسبت شروع ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ سید مرتضیٰ امین شاہ صاحب۔ وہ جو ہے وہ مٹی جو حضور کے نالین سے چمٹی تھی وہ بھی مقام سدرہ پر ساتھ گئی اور وہ بھی آگے بڑھتی ہوئی ببانگے دوہل یہ اعلان کرتی چلی جاتی ہے کہ لوگوں دیکھو جس مقام پر اس جبرائیل کے نور کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے نبی کی نسبت شروع ہوتی ہے، وہاں سے مصطفیٰ کی نسبت، تو افضل حضور کی نسبت، کوئی مثل نہ ٹولن دی، کوئی مثل نہ ٹولن دی، کوئی چپ کر مہرے لئی اتجا نہیں بولن دی، سو حضور کی نسبت افضل، جہاں ادائے مصطفیٰ وہیں پر رضائے خدا، جہاں ادائے مصطفیٰ وہاں ہی رضائے خدا۔ توجہ ہے آپ کی کہ میرے حضرت فرماتے تھے کہ جتھے یار پاب رکھدا اوتھے اگدا سرودا بوٹا، توجہ ہے آپ کی۔ اچھا تو دیکھنے والی آنکھ کا کمال ہے کہ جیسی آنکھ ہوگی ویسا میرا نبی نظر آئے گا، آنکھ فانی ہوگی مصطفیٰ بھی فانی نظر آئیں گے، آنکھ لا فانی ہوگی میرا نبی بھی لا فانی نظر آئے گا، آنکھ محدود ہوگی حضور بھی محدود نظر آئیں گے، آنکھ لا محدود ہوگی حضور بھی لا محدود نظر آئیں گے، آنکھ فرشی ہوگی حضور بھی فرشی نظر آئیں گے قبلہ، آنکھ عرشی ہوگی حضور بھی عرشی نظر آئیں گے، آنکھ خاکی ہوگی مصطفیٰ بھی خاکی نظر آئیں گے، آنکھ نوری ہوگی حضور بھی نوری نظر آئیں گے، آنکھ ابو جہل کی ہوگی تو صرف ابن عبداللہ نظر آئیں گے، اور آنکھ ابو بکر کی ہوگی تو مصطفیٰ نور اللہ نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ تو دیکھنے والی آنکھ کا کمال ہے، توجہ ہے نا، دیکھنے والی آنکھ کا کمال ہے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدائے دلوا کرے کوئی، یہ دیکھنے والی آنکھ کا کمال ہے کہ حضور کو دیکھتی کیسے ہے۔ امام قرطبی ایک جلیل القدر امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا مصطفیٰ کے چہرے کا، سن رہے ہیں آپ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو کئی پردوں میں چھپا کے بھیجا تھا، کئی پردوں میں۔ بیٹھ جائیے آپ، کدھر جا رہے ہیں، کدھر، اچھا بیٹھیے، اچھی رکھیے۔ تو جو ہے آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو بولیے کئی پردوں میں چھپا کر بھیجا۔ مولانا نور نے فرمایا کہ پردے 700 پردے تھے، 700، 700 پردوں میں اپنے حبیب کے نور کو چھپا کر بھیجا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود آقا دو جہاں کے رخ انور کا عالم یہ تھا کہ اصحابہ کرام جلیل القدر ابو بکر عمر بھی بیٹھتے تو حضور کے چہرے کی طرف زیادہ دیر تک ٹک ٹکی باندھ کر نہیں دیکھ سکتے تھے، آئے حضور کے رخ انور سے جو نور پردوں سے چھن چھن کر نکلتا تھا اسے صحابہ کرام کی آنکھیں چندیا جاتی، وہ اپنی نظر دائیں بائیں کر لیتے تھے یا نظریں جھکا لیتے تھے، وہ زیادہ دیر تک مصطفیٰ کی طرف آنکھ بھر کے ٹک ٹکی لگا کر نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کی آنکھیں چندیا جاتی تھی حضور کے نور کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس شاکان رسول کا یہ عالم تھا کہ چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھ نہیں سکتے تھے تو فرماتے ہیں کہ اگر حضور رخ انور سے اپنے لباس مجاز کو اتار کر آ جاتے، آئے لباس بشری اتار کر آ جاتے اور صرف نور بن کے آتے تو فرماتے ہیں کافروں منافقوں کا وہ حال ہونا تھا کہ جو طور پر موسیٰ کی قوم کا ہوا، سارے مر گئے موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اسی لیے میرے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو لباس مجاز میں چھپا کے بھیجا۔ یہ وہی لباس مجاز ہے کہ جس کے بارے میں اقبال پکار اٹھا کہ کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو اس مقصد کے لیے میرے اللہ نے اپنے حبیب کو کئی پردوں میں، اس کے نور کو کئی پردوں میں چھپا کے بھیجا۔ تو وجہ ہے آپ کی، آپ کہیں گے شاہ صاحب جذباتی جملے ہیں، فن خطابت کی افتراء ہے،
आप लोगों को अपने जज्बात से मरूब करने की कोशिश करते हैं और खिताबत की धाक बिठाने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहूंगा खुदा की कसम जज्बात मेरे हो सकते हैं पर अल्फाज कुरान के हैं। ये अल्फाज कुरान की है कि देखने वाली आंख का कमाल है। क्या नहीं कहा गया कि वतराहुम यनजुरूना इलैका वहुम ला युबसरून? हबीब जो लोग ये काफिर ये जो आंखें फाड़ पार कर मुनाफिक की तरफ देखते हैं, जायजा लेते हैं, दाएं बाएं होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तुझे परखते हैं कि तू चीज क्या है। खुदा फरमाता है नादान है, बेशऊर है, बेबसीरत है, मुस्तफा पहचान नहीं रहे कि तू अंदर से क्या है। ये बेबसीरत लोग हैं, ये बेशाऊर है। बतरा हम या जरूना इलाका वहुमला या सुरून, ये आंखें फाड़ फाड़ कर कभी घूरते हैं, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी आगे, कभी पीछे, तुझे देखते कि क्या चीज है। फरमाया बेबसीरत है, बेशाऊर है, जाहिल है, निकम्मे निकट्टू है, ये बेचार नहीं रहे मुस्तफा के तू अंदर से क्या है। तो खुदा भी फरमाना चाहता है कि हबीब आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए को और को क्या नजर आए, क्या देखे। आंख वाला अरे आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या नजर आए, क्या देखे। सो देखने वाली आंख का कमाल है कि हजूर को देखी कैसे है। देखो बात मुश्किल हो जाए तो हकायत का सारा मिल जाए, तमसील का सारा मिल जाए तो अकल इंसानी को खिताब करने में बहुत आसानी होती है। हमने बताया है आपको ये बात बताई है ना। सो आपकी समझ के लिए इसी बात को हम हकायत की सूरत में पेश करते हैं। एक शख्स कहीं से आला नस्ल की मैना खरीद लाया, तो वजह भैया आला नस्ल की मैना, आप जानते हैं कि मैना अगर अच्छी नस्ल की हो तो वो तोते की मिसल बोली समझती है, जानती है, सिखाया जाए फौरन सीखती है, फिर फर फर बोलती है। तो वजह है आपकी। अब वो शख्स एक आला नस्ल की मैना को लाकर उसको दाना पानी डाल के उसकी खिदमत करके उसको सुधाने की कोशिश करता है, अपने से मानूस करने की कोशिश करता है ताकि मेरी बोली सीखे, लेकिन मैना है कि वो हौसला हो गई, वो डर गई, जाफी साहब वो सहम गई, वो घबरा गई कि ये कौन गैर जिन्स वाला मेरे सामने आ गया, ये तो इंसान है, मैं तो परिंदा हूं, ये तो और है, मैं और हूं, इसकी जिन्स और है, मेरी जिन्स और है, मैं हवाओं में प्रवास करती हूं और ये फर्श पर चलता फिरता है, ये मेरे जैसा नहीं है, ये मेरे जैसा नहीं है, ये कोई और है, मैं और हूं, ये बशर है, मैं परिंदा हूं। तो जब अपने से गैर जिस वाले को देखा तो मैंने खौफ ज़दा हो गई, सहम गई। अब जब सहम गई तो न खाती है, न पीती है, न उसकी बोली सीखती है। अब बड़ा परेशान हुआ कि मेरी मैना मेरी बात क्यों नहीं सुनती। इसी सना में उसका एक दोस्त आ गया, उसका दोस्त एक दाना शख्स था, अकलमंद इंसान था। उसने जब अपने दोस्त को परेशान देखा तो पूछा क्या माजरा है, कहा मैं अच्छी मैना लेके आया हूं, बोली सिखाता हूं, मेरी मैना मेरी बोली सीखती नहीं है। उसका दोस्त मामला समझ गया, उसने कहा मेरे पास तजवीज है, अगर तुम मेरी तजवीज पर अमल करे तो तेरी परेशानी फिलफौर खत्म हो जाएगी। उसने कहा तेरी तजवीज क्या है? उसके दोस्त ने कहा कि मेरी तजवीज के तहत तू जरा बाजार चला जा, है तू जरा बाजार चला जा, वहां से एक आयना खरीद ला, उस आयने को मैना के सामने ला, खुद आयने के पीछे छुप जा, वहां से उसे अपनी बोली सिखला और फिर मुझे बतला। तो वह जो है आपकी, वो बाजार गया, एक अच्छी किस्म का शीशा जिसमें बंदा अपना अक्स देखता है, आयना, वो खरीद कर ले आया। अब जब लाया तो उस आयने को, शीशे को उसने मैना के सामने लाके रख दिया। तो वह जो है आपकी सदीक साहब, मैना के सामने लाके रख दिया और खुद वो आयने के पीछे छुप गया। अब जब आयने में मैना ने अपना ही अक्स देखा, हाँ, अपना ही खदोखाल देखे, अपना ही रंग रूप देखा, तो मैना थी वो समझी कि शायद कोई मेरी सहेली मैना आ गई, मुझ जैसी मैना आ गई, मेरी हमजोली मैना आ गई, मेरी सहेली मैना आ गई, मेरी जिन्स वाली मैना आ गई। तो जब अपनी जैसी मखलूक को देखा तो मैना का खौफ दूर हो गया। अब जैसे खौफ दूर हुआ तो वो चेकने लगी, उसने खाना पीना भी शुरू कर दिया। अब वो जो शख्स आईने के पीछे छुपा था उसने वहां से बोलना शुरू कर दिया, गुफ्तगू करनी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया। तो मैना को लगा कि जैसी सहेली मैना कुछ बोल रही है,
मैना को लगा उसके सामने वाली मैना जो शीशे में है वो बोल रही है, वो मुझसे कुछ कह रही है। तो जब अपनी जैसी मैना को बोलते हुए देखा तो मैना ने भी उसके पीछे फर फर बोलना शुरू कर दिया। तो मौलाना रूम यही तो फरमाते हैं कि जिस तरह मैना पहले गैर जिस वाले को देख के घबरा गई और बोली ना सीखी थी, फरमाते इसी तरह अगर मुस्तफा मुल्ला अगर मुस्तफा अपने ऊपर से लिबासे बशरी उतार कर आते और सिर्फ नूरे खुदा बन कर आते तो तूने घबरा जाना था कि ये कौन गैर जिंस वाला आ गया, तूने मेरे नबी की बात ना सुननी थी, हदायत के मराहिल ने मुकम्मल ना होना था, इस्लाम के दीन ने पाए तकबीर तक ना पहुंचना था, तो तुम्हें हदायत के रस्ते पर लाने के लिए मेरे अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को लिबासे मोहम्मद में छुपा कर भेजा, नूरी हकीकत को लिबासे मिजाज चढ़ा कर भेजा। ये वही लिबास है कि जिसके बारे में इकबाल भी पुकार उठे कि लखमीम दे पर्दे पापा आ, ओ तेनु आशिक लोग पहचान गए, भावे कहंदा रहो अना बशर बशर तेनु जानन वाले। नारे तकबीर, नारे रिसाले, नारे हैदरी, साहबजादा सैयद मुर्तजा अमीन शाह साहेब, आस्थाना आलो बहार शरीफ। तवज्जो है आपकी। वो जैसे मैना क्या फरमाते हैं, मौलाना रूम क्या फरमाते हैं, इनको खिताब करके खुदा की कसम इन्हें खिताब करते हैं कि जैसे मैना पहले डर गई थी, बात नहीं सुनती थी कि ये कौन गैर आ गया है, तो इस तरह फरमाते हैं हजूर अगर नूर बन के आते ना तो इन मुल्लाओं ने डर जाना था कि हम तो बशर हैं, ये तो नूर है, ये कौन आ गया है, गैर बरादरी वाला, गैर जिस वाला, तो तुमने मेरे नबी की बात नहीं सुननी थी, दीन कय्यम ने मुकम्मल ना होना था, तो दीन को मुकम्मल करने के लिए और तुम्हें हदायत पहुंचाने के लिए मेरे अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को लिबासे बशरी में छुपा कर भेजा। कौन सा लिबासे बशरी, यानी लखमीम दे पर्दे पापा आ, आए लखमीम दे पर्दे पापा आ, ओ तेनु आशिक लोग पहचान गए, पावे कहंदा रहो अना बशर बशर तेनु जानन वाले, तेनु जानन वाले, तेनु जानन वाले, तुम जानने वाले जान गए। तवज्जो है, आप जानने वाले हो ना, आप जानने वाले हो ना, बोलो जानने वाले हो ना, तो जानने वाले हो तो फिर इस हकीकत को जान के रखो, पहचान के रखो और दिलों में समा के रखो कि कोई मिसल न टो लंदी, चुप कर मेरे लिए जा रही हो बोल लंदी। मुस्तफा की हकीकत क्या है, या खुदा जाने या मुस्तफा जाने, तो है आपकी। अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि लखमीम दे पर्दे पापा आ, तेनु आशिक लोग पहचान गए, पावे कहंदारो अना बशर बशर तेनु जानन वाले। अब जानने वालों ने जाना क्या, जरा ये बात सुनते चलो कि जानने वालों ने अपनी हद तक क्या जाना, हजूर क्या है। तो है आपकी। हम बयान शुरू करने से पहले एक आयत की तिलावत करते हैं और नाथा हजरात उल्मा हजरात सब उस आयत की तलावत करते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। तो जो है आपकी, क्या फरमाया गया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं किस पर, ऊंची पीछे वाले भी बोले आपको क्या आया, पीछे बैठे हुए छुट्टी आपको, बोले ये दुरूद किस पे है, चुप यार, दुरूद किस पे है, है? मेरी समाज कमजोर है, मेरी कानों में ज्यादा आवाज नहीं गूंजती। वो पीछे वाले अगर ताड़ी आवाज मेरे तक पहुंची मैं समझांगा ताड़ा आना इतने कबूल है, नहीं आई तुम एन जी आए हो, फिर उची बोलो दुरूद किसने भेजा जा रहे हैं, हाँ अच्छा ठीक है, इधर वाले बोले माशाल्लाह। मजेदार बात यह है कि यहां पर दुरूद मोहम्मद पर नहीं भेजा जा रहा, तो वह जो है आपकी, दुरूद बोलो मोहम्मद पर नहीं भेजा जा रहा, हा? दुरूद रसूल पर नहीं भेजा जा रहा, दुरूद अब्द पर नहीं भेजा जा रहा, हा? दुरूद किस पे भेजा जा रहा है,
نبی پر بھیجا جا رہا ہے۔ اچھا اگر اللہ نے قرآن مجید میں چار جگہ محمد کا لفظ استعمال کیا تو جو ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں، چار جگہ اس میں مبارک نام آیا، اللہ پانچویں جگہ بھی استعمال کر لیتا، کس نے روکا تھا؟ کر لیتا نا، بولیے، لیکن نہیں کیا۔ اچھا رسول کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا، نہیں کیا۔ عبد کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا، نہیں کیا۔ حضور محمد کب بنے؟ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میں نے دوسری کے مقام پر بیان کیا، جناب کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام نامی ولادت کے ساتویں روز محمد تجویز کیا۔ توجہ ہے آپ کی، یہ اللہ کی طرف سے القا ہوا تھا۔ توجہ ہے آپ کی، محمد نام ولادت کے وقت آپ کے دادا جان نے آپ کا نام رکھا۔ توجہ ہے آپ کی۔ اچھا نام محمد کا بھی استعمال نہیں ہوا۔ اچھا لفظ استعمال ہو سکتا تھا رسول کا، لوگوں نے حضور کو رسول کب کہنا شروع کیا؟ لوگوں نے جب 40 برس کی عمر میں حضور نے غار میں اعلان رسالت فرمایا، اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ رسول ہے۔ ہم تو کچھ اور وقت کا تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 40 برس کی عمر میں وہ رسول کہلائے۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ اچھا لفظ استعمال ہو سکتا تھا عبد کا، حضور عبد کا بنے؟ سبحان اللہ، یہ اسرا بے عبد ہی، جب معراج پر گئے تو ایک عبد کے روپ میں گئے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن نہ تو عبد کا لفظ استعمال ہوا، نہ رسول کا، نہ ہی محمد کا۔ اگر محمد کا لفظ استعمال ہوتا تو کوئی اعتراض کرتا، جناب یہ درود اس وقت شروع ہے جب حضور کی ولادت ہوئی تھی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ولادت سے درود شروع نہیں ہوا۔ ہائے، سن رہے ہیں آپ؟ لفظ استعمال ہو سکتا تھا رسول کا، پر پھر انہوں نے اعتراض کرنا تھا کہ درود اس وقت سے شروع ہے جب 40 برس کی عمر میں رسالت ملی تھی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ اعلان رسالت سے بھی جاری نہیں ہوا۔ لفظ استعمال ہو سکتا تھا عبد کا، پر پھر ان ملاؤں نے اعتراض کرنا تھا کہ درود اس وقت سے شروع ہے جب حضور معراج پر گئے تھے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، نہ تو معراج سے، نہ اعلان رسالت سے، نہ ہی ولادت سے، بلکہ یہ درود کب سے جاری ہے؟ یہ اس وقت سے جاری ہے جب حضور نبی تھے۔ اور حضور نبی کب سے ہیں؟ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان بیٹھا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ وقت بھی نبی تھا، بولیے، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان بیٹھا تھا، یعنی جب کا میرا نبی ہے، جب کا میرا نبی ہے، اس وقت تو نہ چنی تھی نہ چنا تھا، نہ ای تھی نہ آ تھا، نہ جماتات نہ نباتات، نہ حیوانات نہ انسانات، کچھ بھی نہ تھا، تھا بھی نہ تھا۔ اور اس وقت حضور پکارے کہ اول خلق اللہ ما نوری، یعنی اس وقت یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اس وقت کچھ بھی نہ تھا، تھا بھی نہ تھا، اور حضور اس وقت کے بارے میں فرمائیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ بس ایک نور تھا، اور اس نور میں یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، یعنی کرسی عرش نہ لوح و قلم، تینا سورج چند ستارے، وہ تامی نور محمد والا دیندا سی لشکارے، تامی نور محمد والا دیندا سی لشکارے، اور کن فیکون تکل دی گالے، اسا اگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ حاجت دیتی میم گواہی۔ اب آپ کو پتہ لگا کہ انا من نور اللہ و کل الخلائق من نوری، حضور نے فرمایا میں محمد اللہ کا نور ہوں اور یہ ساری خلقت میرے نور سے ہے۔ ٹھیک، تو اب جاننے والوں نے کیا جانا؟
हाँ, जानने वालों ने क्या जाना कि उस शाह से कौनैन में बेहतर नहीं कोई। बेहतर का क्या जिक्र है, हमसर नहीं कोई। हक ये है कि ऐसा तो पैगंबर नहीं कोई, जर्रार और बहादुर नहीं, सफदर नहीं कोई। उस नूर का क्या वस करूं मैं कि वो क्या था, बस नूरे खुदा नूरे खुदा नूरे खुदा। अब जानने वालों ने जाना कि एक नूर था और उस नूर में या खुदा था या मुस्तफा था। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। अच्छा, अब आते हैं एतराज की तरफ। तवज्जो है आपकी, अब आते हैं बोलिए एतराज की तरफ। कहने लगे जनाब आपका दूसरा कलिमा क्या है, सुनिएगा। तवज्जो है ना, आपका दूसरा कलिमा क्या है। हमारे कहा हमारा दूसरा कलिमा शहादत आती है ना आपको, शहादत क्या, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। बस जब आपने अब्दुहु का लफ्ज लिया ना तो इन मुल्लाओं ने हमें रोक लिया। तवज्जो है, जब हमने अब्द कहा ना, अब्दुहु अब्द, अब्द का मतलब बंदा, अब्द का मतलब बोलिए ना, अब्द का मतलब बंदा। तो जब बंदा कहा ना तो हमें रोक लिया, पकड़ लिया यहां से। देखा बरेलवियों, देखा नक्शबंदियों, चिश्तियों, कादरियों, तुम नूर नूर की रट लगाते हो जबकि कलमा शहादत जो पढ़ते हो उसमें अल्लाह अपने हबीब को बंदा कह रहा। तो अब देखें, लगे मुनाफ़िकत फड़केगी तो किस किस अंदाज से फड़केगी, पर आपको क्या पता कि जब इश्क फूटेगा तो इस कायनात के रूए रूए से फूटेगा। तो वजह है आपकी। सो अब कहने लगे जनाब कलमा शहादत अब कहते हो, और फिर मरूर मशहूर और मरूफ आए कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। बहुत मर्तबा गुफ्तगू की है इस पर, बहुत मर्तबा गुफ्तगू की है कि नबी फरमा दीजिए मैं तो तुम्हारी मिसल बशर बन के आया। हमने कहा कि ये तो भाई गैरों के लिए कहा गया, मुनाफिकीन को कहा गया, आशिकों के लिए तो फरमाया कि वाई तुम मिसरी, तुम में से कौन है जो मेरी मिसल हो, तुम में से कौन है जो मेरी मिसल हो, तुम में से कोई मेरी मिसल है ही नहीं। तो जब ये आयत कही, ये तो काफिरों के बारे में कही, मुनाफिकीन के बारे में कही कि मैं तुम्हारी मिसल बशर नहीं हूं। वो आयत, वो मैना वाला वाकया याद है ना, वो जो घबरा गई थी तो हुजूर यही तो फरमा रहे थे मुझसे मत डरो मैं तो तुम्हारी तरह हूं, मुझसे क्यों घबराते हो। और जो हुजूर को पहचान चुके थे उनके बारे में फरमाया भाई तुम मिसली, तुम में से कौन है जो मेरी मिसल है। उनके लिए और कहा, असाबा के लिए और कहा, दोनों के लिए अलग अलग बात की। अब सुनिएगा, अब कहने लगे कि चाहे मुनाफिकों को कहा, कहा तो है ना, बोलिए, चाहे मुनाफिकों को कहा, कहा तो है ना। का क्या कहा, एक तो अब्द कहा, ऊपर से बशर कहा, ऊपर से बशर की मिसल कहा, मैं ठीक कह रहा हूं। और कहने लगे कि कुरान ने कहा है, और अगर कुरान का इनकार करना कुफर है, मैंने कहा बिल्कुल कुफर है, कुरान की जेर और जबर का इनकार कर कुफर है। तुमने कहा कि कुरान में दो लफ्ज मेरे नबी के लिए आए, एक बशर और एक मिसल, बोलिए ना, बशर कि वो बंदा है, बशर है, और एक मिसल। तो तुमने कहा अगर हम इन दो लफ्जों का हुजूर के लिए इनकार करें तो हम काफिर हो जाएंगे, ठीक है, हम कबूल करते हैं फतवे को। अब दो लफ्ज हम भी पेश करते हैं कुरान में से, अगर उन दो लफ्जों का तुमने इनकार कर दिया तो तुम काफिर, ठीक है, कुफर, कुरान का इनकार कुफर। तुमने हमें तो कह दिया ना कि दो लफ्जों का चैलेंज दे दिया, अब हम भी दो लफ्ज पेश कर देते हैं, ठीक, हम अगर इनकार करें तो हम भी काफिर, फिर जैसा फतवा हम पर तुम इनकार करोगे तो वैसा फतवा तुम पर, ठीक है। तो वो जो है आपकी। अच्छा, अब बहस है कि बशर और मिसल का लफ्ज हजूर के लिए आया, हाँ, क्या भूल गए कि जब खुदाए परवरदिगार ने जिब्राइल अमीन को जनाब मरियम के पास भेजा और बच्चे की बशारत देकर, जनाब ईसा मसीह की बशारत देकर, तो क्या फरमाया कि इस कालत मलाइका तो या मरियम इन्नल्लाह युबशिरुक बिकलिमातिन मिन्हु, कि ए मरियम अल्लाह तुझे बशारत देता है एक बच्चे की जो अल्लाह का कलीमा होगा, ठीक। ये किसने कहा, जिब्रील ने आके जनाब मरियम को कहा। तो वह जो है जिब्रील ने किसको कहा, मरियम को कहा, अल्लाह की वलिया को कहा, उसकी बंदी को कहा कि मैं तुझे बशारत देता हूं एक बच्चे की जो अल्लाह का कलिमा होगा, जनाब ईसा मसीह की बशारत। अब मुस्सा सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल ये है मेरा आपसे और साहिबान अजीज शाऊर से कि ये तो बयान कीजिए कि जब वो फरिश्ता नूरी है कि खाकी है,
नूरी फर्शी है कि अर्शी है? अच्छा वो नूरी भी है अर्शी भी है, इनसे भी पूछो ये भी कहेंगे नूरी है अर्शी है। जब वो अर्श की नूरी मखलूक जनाबे मरियम के पास आई तो किस रूप में आई? बोलिए किस रूप में आई? कुरान से पूछिए, कुरान से पूछिए। कुरान फरमा रहा है फारसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविया। भाई कुरान फरमा रहा है कि जिस वक्त जनाबे मरियम के पास जिब्राइल ईसा की बशारत लेके आए तो एक नौजवान खूबसूरत तंदुरुस्त बशर की मिसल बन के आए। हाय 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 हाय, सुनियो, जब मरियम के पास जिब्राइल आए तो किस सूरत में आए? एक जवान बशर की मिसल बन के आए। मेरे मुस्तफा को भी बशर मिसल कहा गया, जिब्राइल को भी बशर और मिसल कहा गया। तवज्जो है आपकी? मेरे मुस्तफा को भी बशर और मिसल कहा गया, जिब्राइल को भी बशर और मिसल कहा गया। मैंने कहा मुल्ला अपना फतवा याद कर, फतवा याद है बशर और मिसल का जो इनकार करे काफिर। ठीक है, अब मेरा फतवा कि कुरान हदीस नहीं, कुरान कह रहा है कि जिब्राइल बशर बन के आए, बशर की मिसल बन के आए, तो कहो बशर, फरिश्ते को कहो बशर। तो जवाब मिला नहीं जनाब, थोड़ी देर के लिए खुशखबरी देने आए थे। मैंने कहा मेरा मुस्तफा क्या देने आया था? हाँ वो थोड़ी देर के लिए आए तो हजूर भी थोड़ी देर के लिए आए, कुछ देर के लिए बशर बन के आए फिर वापस नूर हो गए, हजूर भी बशर बन के आए फिर वापस नूर हो गए। तो नादानो अगर जिब्राइल जाहिर में बशर होकर अंदर से नूर हो सकता है तो फिर मानना पड़ेगा कि मेरा नबी भी जाहिर में सूरत मुस्तफा था अंदर से नूर खुदा था। नारे तकबीर, नारे सैयद मुर्तजा अमीन शाह साहेब आस्ताना आलो बहार शरीफ। गुफ्तगू वाजे हो रही है, वाजे हो रही है, इससे ज्यादा अल्फाज क्या होंगे। अब अगली कभी तुम्हें छेड़े ना तो उनको जैसा कुरान हमारा वैसा तुम्हारा, जैसा तुम्हारा वैसा हमारा। हा? अगर अब तुमने दोबारा कभी बात की ना कि इस आयत के वाले से कि हजूर बशर और बशर की मिसल है इसलिए बशरियत का फतवा लगता है, तो फिर जिब्रील पर भी लगाओ, उस पर बशीर का फरमा क्यों नहीं लगाई? कैसी डाकोटमी है, ये कैसा दौरा में आ है, कैसी मुनाफिकत है, उसके लिए कानून और है, उसके लिए और है, ये क्या बात हुई? एक ही किताब, एक ही किताब जिब्रील को भी बशर कह रही है, मुस्तफा को भी कह रहे हैं। जिब्रील के लिए नहीं मानते हो पर हजूर के लिए अपना बुख्स दिखाते हो, अपनी मुनाफिकत दिखाते हो। तुम्हारी लगे मुनाफिकत फड़क रही बदली होती, लानत अल्लाह काज़िमी, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। तवज्जो है आपकी? अच्छा इसी बात को एक और अंदाज से पेश करता हूं। कुरान की मशहूर आयत के लो अंजलना हाजल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिया मुतसद्दिया मिन खशियतिल्लाह। क्या तर्जमा इसका कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते जाफी साहब तो उस कुरान की खशियत से, तवज्जो है, उसकी खशियत से, उसकी ताकत से ये जो पहाड़ है ना पहाड़, ये रेजा रेजा हो जाता, ये फट जाता। सुनो नबी की बात सुनना, इससे मोर लग जाएगी, फिर किसी माई के लाल की जरूरत नहीं होगी कि आपसे बहस करे। तो वो जो है आपकी हमारा चैलेंज समझती हो ना, मैं सन 2000 से मेंबर संभाला है, कौन सा ऐसा मुकाम है जहां पर मैंने इनको नूरे मुस्तफा के वाले से या आकर नामदार की अजमत के बाद चैलेंज ना दिया हो? मुझे एक मरतबा भी किसी का जवाब नहीं आ रहा अभी तक, मैं इंतजार कर रहा हूं, बुलाओ तो सही एक दफा, पता तो लगे हमारी हैसियत क्या है, किसी मुकाम पर बुलाओ तो सही यार, हम तो इंतजार करते हैं, अपने बड़ों को तो कहो कि हमें दावत भेजे, हमें बुलाओ तो सही, हम बयान तो करें कुछ। तवज्जो है आपकी? आप तो शकान बैठे हो, तवज्जो कीजिए, सुनिए मेरी बात को। लो अंजलना हाजल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिया मुतसद्दिया मिन खशियतिल्लाह, अगर हम सुनिया, अगर हम कुरान को नाजिल करते किस पर, पहाड़ पर, तो उसकी हैबत से पूरा का पूरा पहाड़ फट जाता, रेजा रेजा हो जाता। मेरा सवाल है आपसे
कि कुरान नूर है कि नहीं? बोलो किस किस का कीदा कुरान नूर है? अगर नहीं ना मानोगे तो दार सलाम से खारिज हो जाओगे। हाथ नीचे करो। ये चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे सुन्नी हो, हम हो, आप हो, हम सबका कीदा मुत्तफिका तौर पर कुरान नूर है। हजूर पर आकर बैठ छेड़ते हैं लेकिन कुरान को सब नूर मानते हैं, कुरान को सब नूर मानते हैं। अकरम साहब, कुरान को क्या नूर? पहाड़ किस चीज का होता है? पत्थर, पत्थर की असर क्या है? मिट्टी। बोलिए ना, हरारत मिलती है तो मिट्टी से पत्थर बनता है, ठीक है? जब मिट्टी को हरारत दी जाती है ना तो उससे पहाड़ों में पत्थर बन जाते हैं, जैसे लावा बनता है, और वो जब जमता है तो पत्थर बन जाते हैं। तवज्जो है आपकी? आप ये भट्टियों के अंदर ईंटें बनाते हो, मिट्टी को जब आप गर्म करते हैं तो वो पत्थर बन जाती है। तवज्जो है आपकी? सो पत्थर और मिट्टी का इम्तजाज होता है पहाड़, ठीक है, जिसकी असल मिट्टी है। तवज्जो है ना आपकी? अच्छा, अब खुदा ने कहा कि अगर नूर मिट्टी पर आए तो मिट्टी फट जाती है, ठीक। कुरान है नूर, पहाड़ है मिट्टी। अच्छा, खुदा ने प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया, वो तूर पर जो नूर भेजा, ठीक है, खुदा ने करके भी दिखा दिया, वो नूर जब मिट्टी पर आया मिट्टी फट गई। तो कुरान में दो जगह पर ये कानून वाज़ेह हो गया कि नूर कभी मिट्टी पर नहीं आ सकता, नूर कभी मिट्टी पर नहीं आ सकता। तो मुझे खुदा के वास्ते ये बात समझाओ कि जब कुरान से बात साबित है कि नूर मिट्टी पर नहीं आ सकता, तो अगर मेरा नबी मिट्टी का है, नूर का नहीं है, खाक का है, तो जब अल्लाह ने अपने हबीब के सीने पर पूरा का पूरा कुरान नाजिल फरमाया, तो फिर उस नूरे कुरान से हजूर फटे क्यों नहीं? अगर हजूर मिट्टी के हैं तो फिर उस नूर की वजह से हजूर फटे क्यों नहीं? नहीं, हजूर इसलिए नहीं फटे क्योंकि हजूर मिट्टी के नहीं, क्योंकि नूर मिट्टी पर नहीं आया, बल्कि नूर बजाते खुद नूर पर आया। नारे तकबीर, नारे साहबजादा सैयद मुर्तजा अमीन शाह साहेब, तुम्हारी सुध बुध गुम हो गई कि मैंने बात क्या कर दी? हाँ, इतना घबरा गए हो तुम? मैंने गलत बात की है? मैंने कुरान में दो मुकामात पर पेश किया, एक मुकाम पर जब मूसा के तूर के ऊपर जब तजल्ला आई थी तो वो नूर था, मिट्टी पर आया, पूरी मिट्टी फट गई, सुरमा बन गई, ठीक कह रहा हूँ मैं? और दूसरे मुकाम पर ये तो हम अगर इस नूर को, नूरे कुरान को पहाड़ पर भेजते तो पहाड़ मिट्टी का फट जाता। मैं तो नहीं कह रहा यार, कुरान का कानून है कि नूर मिट्टी पर नहीं आ सकता, तो पहाड़ के लिए मानते हो, मेरे नबी के लिए नहीं मानते? वजह है आपकी? उसके लिए मानते हो, मेरे मुस्तफा के लिए नहीं मानते? तो साबित क्या हुआ कि नूर मिट्टी पर नहीं आया बल्कि नूर नूर पर आया। कोई मिसल न टोलन दी, ओए चुप कर मेरे लिए थे जा नहीं बोलन दी। तो वह जो है, अब हम सारी गुफ्तगू को समेटते हैं, ये सारी गुफ्तगू ना हम इसको समेटते हैं कि कोई मिसल न टोलन दी, चुप कर मेरे लिए थे जा नहीं बोलन दी। मौला मोहम्मद बशीर साहब कोटली लोहारा वाले जाफरी साहब, जानते हैं आप उन्हें? नाम सुना है ना? जलील कदर आलिम गुजरे हैं, मौला मोहम्मद बशीर साहब कोटली लोहारा वाले। वो फरमाते हैं कि जब मुतहिदा हिंदुस्तान था, पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठा था, तो मैं दिल्ली गया, दिल्ली किसी काम से गया, वहां पर कहते मैं एक बाजार से गुजर रहा था तो वहां पर मैंने हजूम लगा देखा, लोग लड़ रहे हैं आपस में। जब मैं पास गया तो पता लगा कि वहां पर दो लोग हैं जो असल में लड़ रहे हैं और बाकी दो अतराफ ग्रोह बन चुके हैं, और उनमें एक आशिके रसूल है और दूसरा गुस्ताखे रसूल है, और झगड़े का मौजू क्या है कि गुस्ताख कहता है कि नबी तो हमारी तरह हैं, दो आंखें हैं, नाक है, कान है, चलता फिरता है बाजारों में, रोटी खाता है, बच्चे पैदा करता है, शादियां करता है, हमारी तरह का आम इंसान है, कोई फर्क नहीं हमें उसमें। यह था गुस्ताख का कीदा। और जो आशिक था वो वही था कि जो कहता था कि लखमीम दे पर दे तेन आशिक लोग पहचान गए, वो कहता था
के नबी हमारे जैसा है, आशिक कहता था तुम्हें लगता होगा अपने जैसा हमें तो तवज्जो है, उसके उसका नूर है, उसके नूर जैसा लगता है। अब ये गुफ्तगू का मौजू था और झगड़ा हो रहा था। फरमाते मेरे देखते देखते वहां पर एक भंगी आ गया। भंगी असाई खाकरोब को कहते हैं, किसे? झाड़ू देने वाले जो होते हैं ना, खाकरोब असाई जो होते हैं उनको ये उर्दू की सलाह में ये लफ्ज कहा जाता है। तो कहते हैं कि वो जरा खुशपोश था, अच्छा लबास पहना था, इसलिए पहचाना नहीं जा रहा था कि ये झाड़ू देने वाला है। कहते हैं कि जब वो शख्स आया तो उसने गुस्ताख को मुखातिब किया, कहा तू जो इस शख्स से मुनाजरा कर रहा है इससे ना कर, तू मेरे साथ कर ले, तू मेरे साथ। वो पहचाना नहीं जा रहा था कि भंगी कि वो कोई खाक रूप है, सफाई करने वाला है। उसे उसने समझा कि कोई आम शख्स है। उसने कहा भाई मुझे क्या फिक्र है, मैं इसको छोड़ता हूं तेरे साथ मुनाजरा कर लेता हूं। उसने कहा अच्छा फिर तेरे इस्लाम के अंदर एक कानून है कि सलाम भी करो खाना भी खिलाओ। तो मेरा दिल करता है सामने होटल है, होटल पर चलते हैं खाना भी खाते हैं और साथ गुफ्तगू भी होती रहेगी। मुल्ला तो पहले ही तैयार होते हैं रोटी की। तो जो है उसने कहा भी नेकी और पूछ। उसने कहा चलिए जनाब चलते हैं जाफी साहब। वो दोनों गए होटल पर बैठे, एक ही प्लेट में खाना आ गया। तो जो है वो बड़ी सी प्लेट थी, उसी प्लेट में खाना आ गया। अब दोनों ने उससे गुस्ताख ने भी जो कि खुद को मुसलमान कहता है और बंगी ने भी असाई खा, दोनों ने एक रोटी से खाना खाना शुरू कर दिया। अब जब खाना खा रहे थे तो उस बंगी ने असाई खाकरोब ने उससे पूछा कि तू जो मेरे साथ बैठा खाना खा रहा है तुझे पता है मैं कौन हूं? क्या बात है, तुझे पता है मैं कौन? उसे क्या पता करने वाली जरूरत क्या भाई, मेरा भाई है, मेरे जैसा है, मेरे जैसा है, अभी मुलाकात हुई है, इकट्ठे बैठे दोनों भाई खाना खा रहे हैं। कहा वैसे तो मैं तेरा भाई हूं, वैसे तो मैं तेरे जैसा हूं, लेकिन वैसे मैं असाई खाकरोब हूं, मैं असाई खाकरोब हूं। इतनी बात सुनी थी कि मुल्ला का चेहरा तबतबा उठा, वो गुस्से से लाल पीला हो गया और कहो गुस्सा तेरी जुरत कैसे हुई तू एक प्लेट में बैठ कर मेरे साथ खाना खाए? उसने कहा भाई क्या हुआ, तुम्हारी तरह का हूं, दो आंखें हैं, नाक है, कान है, तुम्हारी तरह बाजारों में चलता हूं, शादियां भी करता हूं, बच्चे भी पैदा करता हूं, तुम्हारी तरह का इंसान हूं, तो इसमें गुस्ताखी वाली कौन सी बात है? क्या ऊपर ऊपर से मेरे जैसा है पर अंदर से तू बेईमान है और मैं ईमान वाला हूं। उस असाई खाकरोब ने कहा कि नादान जैसे तेरा और मेरा मामला है वैसा ही तेरे तेरे नबी का मामला है। तू अपनी फिक्र से, अपनी सोच से, अपने किरदार से एक फतूर है और मुस्तफा तो खुदा का नूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, साहबजादा सैयद मुर्तजा अमीन शाह साहेब, कोई मिसल न टोलन दी, कोई चुप कर मेरे लिए इथे जा नहीं बोलन दी, और रोशन है नक्शे सैयद अबरार आज भी, महफूज है हजूर का किरदार आज भी, सुनते हैं कान आपकी गुफ्तार आज भी, नजरों में है वो आलम अनवार आज भी, एक ही कदा हजूर की मशहूद है यहाँ, मेरा रसूल आज भी मौजूद है यहाँ।